बहराइच सांसद अक्षय बाल लाल गौंड और तमाम जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से बहराइच वासियों को बड़ी सौगात मिली है। अब बहराइच के रहने वाले लोग ही बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन सीधे ट्रेन से पहुंच कर सकेंगे। अब बहराइच से केवल गोंडा तक ही रेल की सुविधा थी, लेकिन अब बनारस से गोंडा तक चलने वाली रेल संख्या 14213 और 14 जो कि वाराणसी गोंडा एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, उसको बहराइच तक चलाया जाएगा। साथ ही इसका नाम भी बदलकर वाराणसी बहराइच एक्सप्रेस कर दिया गया है। सांसद बहराइच अक्षय बार लाल गोंड ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि अथक प्रयासों के बाद ये सौगात बहराइच को मिली है। आगे भी कई मुख्य शहरों से बहराइच रेल को जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया कि 21 तारीख को बहराइच से बनारस जाने वाली पहली ट्रेन को धूमधाम से समारोह पूर्वक रवाना किया जाएगा। इस मौके पर MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष भाजपा समेत कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सांसद जी, आप लोगों के प्रयास से ट्रेन चलने जा रहे बनारस के लिए, और क्या प्रयास रहे कि ट्रेन का क्या शेड्यूल रहेगा, किन किन लोगों को इसका फायदा मिले, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से बहराइच से गोंडा वाली बड़ी लाइन हुई, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ इसका, तब से लेकर के अभी 1.5 सालों के अंदर सिर्फ बहराइच से गोंडा तक के लिए एक प्रकार से कहें शटल ट्रेन चल रही थी। यहाँ के क्षेत्रवासियों के जिले के लोगों की हमारी सबकी आवश्यकता थी कि कोई ट्रेन यहाँ से सीधे गोंडा, अयोध्या और बनारस के लिए चले, लखनऊ के लिए चले, गोरखपुर के लिए चले। उसमें हमने प्रयास प्रारंभ किया और पहली सफलता ये मिली है कि जो एक ट्रेन गोंडा से बनारस चलती थी, वह ट्रेन अब बहराइच से सुबह 5:15 बजे 21 तारीख को मैं हरी झंडी दिखाऊंगा और वह ट्रेन यहाँ से प्रारंभ होकर के बनारस की तरफ जाएगी और फिर बनारस से चल करके रात को 9:45 बजे 9:45 पर बहराइच पहुँचेगी। इन दोनों तरह से ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है और आपके संज्ञान में है कि इस ट्रेन को चलाने के लिए मैंने रेलवे बोर्ड को भी, GM को भी, माननीय मंत्री जी को, सबको लिखकर दिया था और मैंने यहाँ तक कहा था कि यदि ट्रेन का संचालन तुरंत नहीं प्रारंभ किया गया तो मैं 22 तारीख को धरने पर बैठूंगा। DRM के आदेश में मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी और जिला के अंदर जिले के वासियों को एक इसकी सुविधा मिलने जा रही है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि ट्रेन 21 तारीख को जो सुबह 5:15 बजे प्रारंभ होगी, उसके उद्घाटन के अवसर पर आप सभी लोग आएं। संत जी, एक और चीज़, जैसे बहराइच से बहुत सारे मुख्य महानगर हैं, उनके लिए भी क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमने बताया कि हमारा तीन प्रयास है, एक तो लखनऊ के लिए भी, लखनऊ की तरफ, पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ, कि यहाँ पर इस जिले के अंदर पूर्वांचल के काफ़ी लोग हैं, तो एक प्रयास जो पूर्वांचल वाला है, हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद उसको भी सफलता हमको मिलेगी।